मैं डॉक्टर क्रिस्टन, प्लास्टिक सर्जन, अमरदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। हमारे पास सुबह जो पेशेंट आए थे, हिस्ट्री ऑफ गनशॉट, एलिजेड हिस्ट्री ऑफ गनशॉट ये था कि घर पे बैठे थे, दो अनजान लोग आए और गोली चला के चले गए। तो हमारे पास जब आए थे तो फेस पे वुंड था और हैंड में, तो उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी नोज से भी, तो इसलिए प्रिवेंटिव तरीके से इंक्यूबेशन की गई, मतलब कि एयरवे सिक्योर किया गया और वेंटिलेटर मशीन पर डाला गया। पेशेंट कॉन्शियस थे, नाक को पैक किया गया है ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो वैसे वाइटल्स अभी स्टेबल हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन स्कैंस वगैरह सब चल रहे हैं, ताकि कुछ अगर फॉरेन बॉडी अंदर है, कोई ट्रेस ऑफ बुलेट कुछ है तो उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करनी है की जाए। मैं डॉक्टर क्रिस्टन, प्लास्टिक सर्जन, अमरदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। हमारे पास सुबह जो पेशेंट आए थे, हिस्ट्री ऑफ गनशॉट, एलिजेड हिस्ट्री ऑफ गनशॉट ये था कि घर पे बैठे थे, दो अनजान लोग आए और गोली चला के चले गए। तो हमारे पास जब आए थे तो फेस पे वुंड था और हैंड में, तो उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी नोज से भी, तो इसलिए प्रिवेंटिव तरीके से इंक्यूबेशन की गई, मतलब कि एयरवे सिक्योर किया गया और वेंटिलेटर मशीन पर डाला गया। पेशेंट कॉन्शियस थे, नाक को पैक किया गया है ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो वैसे वाइटल्स अभी स्टेबल हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन स्कैंस वगैरह सब चल रहे हैं, ताकि कुछ अगर फॉरेन बॉडी अंदर है, कोई ट्रेस ऑफ बुलेट कुछ है तो उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करनी है की जाए। मैं डॉक्टर क्रिस्टन, प्लास्टिक सर्जन, अमरदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। हमारे पास सुबह जो पेशेंट आए थे, हिस्ट्री ऑफ गनशॉट, एलिजेड हिस्ट्री ऑफ गनशॉट ये था कि घर पे बैठे थे, दो अनजान लोग आए और गोली चला के चले गए। तो हमारे पास जब आए थे तो फेस पे वुंड था और हैंड में, तो उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी नोज से भी, तो इसलिए प्रिवेंटिव तरीके से इंक्यूबेशन की गई, मतलब कि एयरवे सिक्योर किया गया और वेंटिलेटर मशीन पर डाला गया। पेशेंट कॉन्शियस थे, नाक को पैक किया गया है ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो वैसे वाइटल्स अभी स्टेबल हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन स्कैंस वगैरह सब चल रहे हैं, ताकि कुछ अगर फॉरेन बॉडी अंदर है, कोई ट्रेस ऑफ बुलेट कुछ है तो उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करनी है की जाए। मैं डॉक्टर क्रिस्टन, प्लास्टिक सर्जन, अमरदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। हमारे पास सुबह जो पेशेंट आए थे, हिस्ट्री ऑफ गनशॉट, एलिजेड हिस्ट्री ऑफ गनशॉट ये था कि घर पे बैठे थे, दो अनजान लोग आए और गोली चला के चले गए। तो हमारे पास जब आए थे तो फेस पे वुंड था और हैंड में, तो उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी नोज से भी, तो इसलिए प्रिवेंटिव तरीके से इंक्यूबेशन की गई, मतलब कि एयरवे सिक्योर किया गया और वेंटिलेटर मशीन पर डाला गया। पेशेंट कॉन्शियस थे, नाक को पैक किया गया है ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो वैसे वाइटल्स अभी स्टेबल हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन स्कैंस वगैरह सब चल रहे हैं, ताकि कुछ अगर फॉरेन बॉडी अंदर है, कोई ट्रेस ऑफ बुलेट कुछ है तो उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करनी है की जाए। मैं डॉक्टर क्रिस्टन, प्लास्टिक सर्जन, अमरदीप हॉस्पिटल अमृतसर में। हमारे पास सुबह जो पेशेंट आए थे, हिस्ट्री ऑफ गनशॉट, एलिजेड हिस्ट्री ऑफ गनशॉट ये था कि घर पे बैठे थे, दो अनजान लोग आए और गोली चला के चले गए। तो हमारे पास जब आए थे तो फेस पे वुंड था और हैंड में, तो उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही थी नोज से भी, तो इसलिए प्रिवेंटिव तरीके से इंक्यूबेशन की गई, मतलब कि एयरवे सिक्योर किया गया और वेंटिलेटर मशीन पर डाला गया। पेशेंट कॉन्शियस थे, नाक को पैक किया गया है ताकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो। तो वैसे वाइटल्स अभी स्टेबल हैं, बाकी इन्वेस्टिगेशन स्कैंस वगैरह सब चल रहे हैं, ताकि कुछ अगर फॉरेन बॉडी अंदर है, कोई ट्रेस ऑफ बुलेट कुछ है तो उसके बारे में आगे क्या कार्रवाई करनी है की जाए।